अगर मैं खाना चैनल तो आज मैं लाई हूँ द फर्स्ट साइड का नेक्स्ट पार्ट। हो सकता है आज इस पार्ट में ये एफएफ खत्म हो जाए, तो चलिए स्टोरी की स्टार्ट करते हैं। और जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि जो जब कोई एक लड़की आई थी, जैसे ही उसने तेंग को प्रपोज किया था तो जो जंगकुक था वो बहुत गुस्सा हुआ था और उस घर में तेंग को खींच लिया और उस लड़की को धमकी देकर वहां से चला गया था। और अब हम देखते हैं बाकी का सीन, तो हमने देख लिया था। तो अब हम तेंगो का सीन देखते हैं। तो अब हम देखते हैं कितना जो जंगकुक तो वो टैंक को खेलता खेलता रूफ टॉप पे ले आता है और फिर ना वहाँ आता है। और फिर ना टैंक कहते कहते जंगकुक ये क्या कर रहे तुम। तो फिर जंगकुक जो फुल ही जेलिसी में बिल्कुल उसको वो माइंड लॉस्ट कर चुका था अपना एक तरह से, वो वहीं वहीं जो टैंक को है ना वहीं सॉरी गाइस वॉल पे पुश करके वहीं जो होता है तेंगा को किस करने लग जाता है। और फिर ना उसको बहुत एग्रेसिवली किस कर रहा था। पहले तो जो तेंगा था वो शौक हो जाता है, लेकिन एक्चुअली गाइस जो तेंग होता है उसके मन में भी फीलिंग होती है जंगकुक के लिए। तो वो जैसे ही जंगकुक को खुद को किस करते देखता है तो बिना पहले तो वो किस ना करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके बाद उसका हार्ट मानता नहीं और फिर वो भी किस में मेल्ट हो जाता है। तो ना एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं। जैसे ही तेंग किस करने लगता है तो फिर जो जंगकुक होता है पहले शौक होता है, लेकिन फिर उसके बाद स्माइल करता है और फिर वो भी उसको किस करने लग जाता है। दोनों बहुत एग्रेसिवली किस कर जाते हैं और 5 मिनट्स बाद एक किस को तोड़ते हैं और दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं। किस को तोड़ते हैं तो फिर जो तेंग होता है वो जंगकुक की आईज में देखते हुए बोलते हैं कि जंगकुक ये क्या था। तो फिर ना तेंग ये बोलता है और फिर जो जंगकुक होता है वो उसकी तरफ गुस्से से देखने लगते हैं। तो उसको याद आ जाता है तुम उस लड़की को क्या जवाब देने वाले थे, कहते मैं जो भी जवाब दूँ तुमने ये क्या किया, तो तुम मुझे इस तरह खेची गए मुझे उसको जवाब तो देने देते। तो फिर ना जो जंगकुक होता है वो ना तेंग के उसने हाँ कभी भी पकड़े होते हैं और उनको ना ऊपर पिन कर लेते उसके सर के ऊपर, कहते ना क्या जवाब देते उसको। हाँ कहते तुम याद रखो कि इम्तिहान तुम सिर्फ मुझे बिलोंग करते हो, तुम इस जीवन जंगकुक को बिलोंग करते हो, तुम बिलोंग करते हो और तुम जीवन तेंग हो, ये याद रखना। और मैं तुमसे प्यार करता हूँ, जिसे मैं प्यार करता हूँ उससे मैं छोड़ के नहीं रहूँगा। और तुम आइंदा अगर किसी लड़की या लड़के ने तुम्हें प्रपोज किया तो याद रखना वो उस लड़के का लड़की का लड़का या लड़की का आखिरी दिन होगा। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ तेंग, मुझे तुमसे लव एट फर्स्ट साइड हो गया। तो फिर ना तेंग सारी बात सुन के पहले तो शोक होता है और फिर एंड वाली बात सुन के फिर ना वो स्माइल करते हैं। तो फिर ना जंगकुक होता है तुम स्माइल क्यों करते, तुम्हें ये मेरी फीलिंग्स तुम्हें मेरा ये कन्फेशन मजाक लग रहा। तो फिर ना जो तेंग होता है वो फिर से स्माइल करता है और फिर जो तेंग होता है वो जंगकुक की जंगकुक के लिप्स फिक्स करने लगे तो बहुत एग्रेसिवली किस कर रहा था, उनके लिप्स को बाइट कर रहा था, सक कर रहा था। तो फिर ना जो तेंग जो जंगकुक होता है वो भी किस में मेल्ट हो जाता है, दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे। उसके फिर से जब दोनों को ऑक्सीजन की कमी होती है तो फिर पीछे हटते हैं और फिर ना जो जंगकुक होता है वो ना तेंग की तरफ देख रहे थे, कहते तेंग कहते आई लव यू टू, मैं तुम्हें फर्स्ट टाइम देखा था तो मुझे बहुत अट्रैक्टिव फील हुए थे, लेकिन मुझे यकीन हो गया एक्चुअली मुझे अट्रैक्टिव फील नहीं होता बल्कि मुझे तुमसे लव एट फर्स्ट साइड हुए। हम मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ जंगकुक, अगर तुमने भी किसी को अपने पास आने देगा तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और ये किम तेंग जो कि अब जियोन जंगकुक को बिलोंग करता है और अब जियोन तेंग है और ये अपनी चीज़ों के मामले में बहुत पॉजिटिव है, ये तुम याद रखना। तुम उसको क्या मारोगे जो तुम मेरे पास आएगा, मैं उसको बर्बाद करके तड़पा तड़पा के मारूंगा जो इस जियोन तेंग के जंगकुक के पास आएगा। तो फिर इस तरह बोलते हैं और फिर ना वो जैसे डीप वॉइस में बोलते हैं जिससे ना थोड़ा शिवर ना जंगकुक को भी महसूस होता है और वो तेंग की तरफ देख रहा होता है। तो फिर ना तेंग अपने अपने सोन टू भी हस्बैंड का ऐसे ड्रा फेस देख के स्माइल करते हैं। तो फिर कहते हैं कि ना तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, डरना उनको चाहिए जो मेरी प्रॉपर्टी पे हाथ मारने की कोशिश करे। कहते वो तुम मुझे तुम तो एक टॉप की तरह बिहेव कर रहे हो। तो फिर जो ये जब तेंग सुनते तो फिर वो फौरन अपने हाथ छुड़वाते और ना जंगकुक को वॉल पे पुश करते और कहते कि ना बिहेव क्या करो मैं टॉप ही हूँ। तो जंगकुक कहता है नॉट रियली बेबी बॉय, ये कह के वो उसको दीवार पे पुश करता है। तो फिर तेंग कहता है ओ रियली, तो फिर आज मैं तुम्हें दिखाई देता हूँ एक्चुअली है कौन टॉप। तो फिर ना वो जो होता है जंगकुक जो तेंग जो होता है वो अपने शर्ट के बटन को ओपन करने लग जाता है, अपनी शर्ट उतार देता है। उसके बाद फिर जंगकुक की आउट करने लग जाती है, ये देखे जो जंगकुक होते हैं वो शौक हो जाता है और वो तेंग को रोकते कहते तेंग ये क्या करे हम कॉलेज में आ। तो कहते ओ फिर बटर क्या बनी बॉय। तो फिर इस तरह बोलते तो फिर ना अपने इतने इस तरह के निक नेम्स सुन के जो जंगकुक होता है वो ब्लश करने लग जाता है और कहते देखो ब्लश कौन कर रहा है, शायद कौन फील कर रहा है, डर कौन रहा है, तो फिर कौन बॉटम। तो फिर ना तेंग ये बोलते और फिर ना स्मॉल कहते और फिर जंगकुक कहते ओके ओके ठीक है।
मैं मान लिया, मैं बोटम गाइस। मुझे अब कुछ याद आ रहा है कि शायद मैंने इस एफएफ के स्टार्टिंग में बोला था कि इसमें जगह टॉप हो जाएगा, लेकिन गाइस मैं ना थोड़ा भूल भी जाती हूँ, लेकिन इस दफ़ा मैंने सोचा कि मैं इसमें तेयांग को टॉप रखूँगी और तो ठीक है, तो अगले एफ में जंगू को टॉप रखूँगी। और गाइस प्लीज हेड रेड को मांगना कि मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है, प्लीज़ सॉरी सॉरी सॉरी। हाय अच्छा ठीक है, तो स्टोरी दोबारा स्टार्ट करते हैं, फिर बवास करने लग जाती मैं। तो फिर वो स्माइल करते हैं और फिर नीचे आ जाते हैं, और नीचे आके देखते हैं तो जो वी होता है वो उन दोनों की तरफ देख रहा होता है, जो है ना सीरियस फेस बना के, और जो वीमिन होते हैं सॉरी वीमिन यूनमिन और नामजिन और जे हो, वो जे अब और मिन हो ये देख रहे होते हैं इन दोनों की तरफ स्माइल करके। तो फिर ना जो तेंग होता है वो भी इनोसेंट से स्माइल करते हैं, जिसको देख के जो जंगो को तो वो शौक होता है और दिल में सोचते हैं ये अभी किस तरह बिहेव कर रहा था, ये तो ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे इससे ज़्यादा टेंशन कोई हो नहीं सकता, और अब इस तरह बिहेव कर रहा था इससे ज़्यादा इनोसेंट और क्यूट कोई हो ही नहीं सकता। और मेरा घाट है तो किसी तरह किसी वक्त भी ब्लास्ट हो जाएगा तेंग की इस तरह कह रहा था उसे, इस तरह वो हाथ पे हाथ रख लेता और फिर तेंग की तरफ देख रहा था, तेंग अभी भी वैसे स्माइल कर रहा था। फिर वी कहता कहता तुम दोनों कहाँ गए? तो फिर ना जो देते हैं कहते हैं जो जंगो को तो ये कहता है कि ना हम रूफ टॉप पे कहते क्या कर रहे थे। तो फिर जो तेंग होता है डेविल स्माइल करता है, ऐसे स्मिट करता है डेविलिश से, और कहते कहते हैं लव मेकिंग कर रहे थे। तो फिर ये सुन के ना सारे शौक हो जाते हैं और फिर ना तेंग की तरफ से मिलते हैं। तो फिर ना जंगो कहते क्या कर रहे थे, कहते क्या हुआ हम लव मेकिंग नहीं कर रहे थे क्या? तो फिर ना जो जंगो का तो उसका फुल फेस रेड हो जाता, तो फिर कहते भी कहते कि ना ये सच है तेंग, कहते नहीं मैं मजाक कर रहा। तो फिर कहते कि ना ऐसे कोई मजाक करते कि ना हम लव मेकिंग नहीं कर रहे थे, हम ना हम सिर्फ हल्का सा रोमांस कर रहे थे, थोड़े रोमांटिक हो रहे थे, लेकिन हमने ऐसा वैसा कुछ नहीं किया, सिर्फ हमने अपने लव को कन्फेस किया और मैंने अपनी शर्ट खोली और जंगो की खोलने की कोशिश कर रहा था, ये तो बस बस इतने ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है डिटेल। तो फिर ना कहते तो पूछा किसने था, तो फिर ना वैसे ना इरिटेटेड फेस बना था, वहाँ से चले जाते कहते इसको क्या हुआ, कहते कि ना एक्चुअली वो खुद सिंगल है तो इस वजह से वो इस तरह का बिहेव कर रहा। जिमिन बोलते कहते हैं तेंग बोलता वाह तुम्हें तो काफ़ी ज़्यादा पता चलने लग गया वी के बारे में, ये है ऐसा। तो फिर ना वो स्माइल करते हैं और फिर सामने देखते हैं और सामने का सीन देख के शो हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ एक जो सीन होता है अब हम फ्लैशबैक में जाते हैं, जब जो वी होता है वो इरिटेटेड फेस बना के जा रहा होता है, तो फिर उसकी एक लड़की से टक्कर हो जाती है, और जैसे उस लड़की से टक्कर होती है तो फिर वो जैसे कि नहीं हो रही थी जो था वी होता है वो उस लड़की को पकड़ लेते हैं और बेस्ट से पकड़ते हैं और लड़की का हाथ आता है उसके चेस्ट पे, और हमारा जो बहुत ही ये सीन होता है मतलब उस तरह का रोमांटिक सीन हो जाता है वहाँ पे, और सारे उसी तरफ देख रहे थे और दोनों को उन दोनों वी का और उस लड़की का आई कॉन्टैक्ट होता है और दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे होते हैं। तो फिर ना जो तेंग कहते हैं नो माई सिंगल माई ब्रदर इज नॉट सिंगल एनी मोर। तो फिर कहते ओ तो फिर इस तरह कहते हैं फिर ना साइड में लग जाते हैं और फिर कहते हैं चुकू चुकू कहते क्या हुआ, कहते हैं ना फोन दो अपना, कहते क्यों, तो कहते फोन सोना चंकू को, तो फिर कहते कि मैं तुम्हारा कहा, कहते हाँ मैं सच बोल गया था। तो फिर ये कहकर ना अपना फोन निकालते और वीडियो बनाने लग जाते, और वीडियो बनाते बनाते बिल्कुल वी के पास आ जाते और बिल्कुल एक दूसरे का और दोनों का फेस लेने लगता, और वी इतना कॉन्सनट्रेट किया होता है उस लड़की पर तो उसको पता ही नहीं चलता। तो फिर ना जो तेंग होता है अच्छी खासी वीडियो बनाने के बाद पूरे 3 मिनट की वीडियो बनाने के बाद वह कहते कहते ओ बस करो कितनी देर तक देखते रहोगे, कोई कॉम्पिटिशन नहीं चल रहा, खड़े हो इस तरह बोल देते। फिर ना जो जंगो कहते कहते ये क्या किया, और फिर ना जंगो और जो जिमिन होते दोनों इकट्ठे बोलते कहते ये क्या किया, इतना रोमांटिक मोमेंट तोड़ दिया। तो फिर ना जो भी तेंग कहते कहते तुम भी ऐसे रोमांटिक मोमेंट क्रिएट करना, तो फिर ये क्या कि ना वो जो जंगो के पास आने लगते कहते नहीं नहीं मैंने ऐसा तो नहीं कहा। तो फिर ना तो फिर जो तेंग होते कहना ऐसे कह मुझे कहकर चला जाता, तो फिर ना कहते कि ना जंगो, तो फिर जो यूँ होते कहते ये तेंग था ये किस तरह बात कर रहा था, ये तो ऐसा लगा था जैसे कोई टॉप टॉप की तरह बात कर रहा था। फिर ना जो जंगो कहते ये टॉप ही है, ये बोलते कि वो टॉप ही, तो ये सुन के नामजिन जी हो और उनकी सारे शौक हो जाते हैं और जंगो की जरूरत ही नहीं लगता, और जंगो फिर क्राई करने लग जाते हैं। तो फिर ना जल्दी मिले तो वो जोर जोर से हंसने लगे थे, कहता वाह जो अभी तक टॉप बनता फिरता था अब एक बॉटम है वो भी एक इनोसेंट बॉय का। तो फिर जो जंगो का था वो फिर क्राई करना बंद करते, कहते इनोसेंट नहीं है तुमने तुम्हें पता मुझे कैसे पता चला कि मैं बॉटम हूँ, तो मुझे जबरदस्ती बॉटम बनाया, कहते क्या मतलब
जूनी बोलते कहते हैं, हम जब फ्लोर पे हम जब रूफ टॉप पे गए थे तो भाई वो सारी बात बताता है और जो भी वहाँ हुआ तो ये सुन के सारे बहुत जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। तो फिर ना जब वो कहता है हंसने की जरूरत नहीं है, ये कह के ना वो टैंग के पास चले जाते हैं, टैंग वी और उस लड़की के पास। तो फिर अब हम देखते हैं टैंग वी और उस लड़की का सीन। तो एक और तो हम जैसे ही जो टैंग होता है उसने ये बात बोली होती है तो फिर ना वी और वो लड़की अपनी आते हैं अपनी सेंसेस में और फिर एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं और फिर ना सॉरी कहते हैं और फिर ना जैसी बो करते एक दूसरे की तरफ तो फिर टक्कर हो जाती है। तो फिर ना ध्यान कहता है वाह व्हाट अ रोमांटिक सीन। तो फिर ना वी कहता है तो मैं तुम्हें छोड़ने देते हैं। तो फिर कहता है सॉरी ये भाग जाते। तो फिर वो जो लड़की होती है सॉरी कहती है आई एम सॉरी। तो फिर कहते हैं मैं सॉरी टू आई एम सॉरी टू। तो फिर वो कहते हैं कि ना आप ऐसे बहुत ब्यूटीफुल लगे थे तो तुम मुझसे फ्लर्ट कर रहे थे। नहीं फ्लर्ट नहीं कर रहा मैं सच बता रहा हूँ कहते अच्छा। तो फिर वो कहते हैं वो जो लड़का था वो तुम्हारा भाई था कहते हाँ कैसे पता चला कहते कोई डम भी होगा जिसको ये ना पता चले तुम दोनों ही ट्विंस हो कहते हाँ ओ सॉरी मैं एक्चुअली इस तरह बोलता है। तो फिर ना वो लड़की स्मेल कहती कहते हाय आई एम वायनल कहते हेलो माय नेम इज वी। तो फिर ना वो स्मेल कहते और फिर दोनों की फ्रेंडशिप हो जाती है और सब और ये सीन और होता सारा कुछ। और अब हम देखते हैं और अब हम सीन देखते हैं थोड़ी देर बाद का और फिर जो होता है ये सारे बैठे होते हैं वायन ये तो फिर वायन होती है एक्चुअली वो इस कॉलेज में न्यू आई हुई होती है। तो वो अपने वो प्रिंसिपल से बात करने आई थी ताकि वो कल से वो भी कॉलेज ज्वाइन कर सके। तो प्रिंसिपल से बात करने के लिए आई होती तो ये सब कुछ हुआ था। तो फिर ये सारी बात कर रहे होते और फिर अब वो भी इनके फ्रेंड सर्कल में बैठी होती है और जो वायन होती है वो वी के साथ बैठी होती है। और जो वी होता है वो ना थोड़ी थोड़ी देर बाद ना नजरें चुरा चुरा के ना वायन की तरफ देख रहा था। वायन ये नोट करती है और वो खुद भी इस चला के ना वो भी इसी तरह ना वी को देख रही होती है। लेकिन वो ये चीज़ नोटिस नहीं करते कि ना वो बाकी जो जितने भी उनके फ्रेंड्स हैं वो दोनों की तरफ देख रहे हैं और ना सीक्रेटली स्माइल कर रहे हैं। तो फिर ना तो कहते हैं फाइनली मेरे इस जंबो ब्रदर को भी कुछ मिल गया। वो इस तरह जोर से बोलते थे। फिर ना जो वी होता है वो उसकी तरफ से लग जाते कहते क्या मतलब है तुम्हारा कहते कि ना हाँ शो इन लो ये देखे मेरे ऊपर जो सक रहे। तो फिर ये सुन के वो जो लड़की वो जो वायन आती है वो ना ब्लश करने लग जाती। तो फिर ना तो फिर ध्यान रखने लग जाए वी कहते तुम्हें तो बच्चा होगा ना इधर तुम्हें मैं बताता हूँ ध्यान। तो फिर ये बोलते कहते आई एम सॉरी तुम्हें पता चलो जब भी ना वी ध्यान बोलते ना इसका मतलब मैं गया ये कह के वो भागने लग जाता। फिर जो वी होता है उसके पीछे भागने वाला था तो वायन उसका हाथ पकड़ लेती है। तो फिर कहती छोड़ दो उसे मजाक कर रहा था वो मेरे वैसे वो सच कह रहा था इतना कह के ना जवायन की तरफ ना ब्लिंक कर विंक करते हैं। तो फिर ना फिर वहाँ से ना फूरन हाथ छुड़वा के भाग जाता है टैंक के पीछे और वो जो वायन होती है वो फुल रेड हो जाती है। तो फिर इसी तरह इनका टाइम स्किप होता है और नेक्स्ट डे का और अब ये सारे फ्रेंड्स होते हैं और अब जो होते हैं सब ही रिलेशनशिप में होते हैं। और ऐसा मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इनका क्या करूं क्योंकि मैं हमेशा ऐसे करती हूँ टाइम स्किप करके इनकी मैरिज कर देती हूँ बस बला बला बला। और आप मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैंने एक और स्टोरी आज शेयर की आप ज़रूर उसको देखिएगा। और गाइस प्लीज़ जो सपोर्ट करें टाटा बाय बाय।